आज मेरा मूड बहुत ही खराब है गाइज। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप और हम लोग सुबह उठ के 9 बजे चेकआउट करके होटल से निकल के आए हैं। अभी हम लोग पुरुलिया टाउन पे खड़े हैं, ये गोकुल भाटिका में हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं इस ट्रिप का मैनेजर, पुरुलिया टूरिज्म से हम लोग जो ये घूमने आए थे यहाँ पे, उसका मैनेजर अभी सुदीप आएगा यहाँ पे, तो हम लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। उसके बाद एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। तो तब तक आपको मैं दिखाता हूँ, इसके जस्ट ऑपोजिट में है आकाश सरोवर, काफ़ी बड़ा है, पानी भी बहुत गहरा है। खाना खा के हम लोग निकल गए हैं, अभी हम लोग जाएंगे जयचंडी पहाड़ की तरफ। सुने हैं 3 पहाड़ है यहाँ पे, चल के देखते हैं। पीछे बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ था, हम लोगों ने सही से देखा नहीं होगा, अभी प्रॉब्लम है। किस तरफ जाएंगे सीधा चल के देखते हैं, पहाड़ तो इसी तरफ दिख रहा है तो शायद रास्ता ही सही होगा। सामने भाई साहब को पूछते हैं, वो जो भाई साहब मिले थे रास्ते में साइकिल में, उन्होंने बताया कि हम लोग सही आ रहे हैं और थोड़ा सा सामने जाके राइट साइड जाना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा आगे आके राइट मोड़ लिए और ये सामने जयचंडी पहाड़ दिख रहा है हम लोगों को। चलिए, और सामने जाके कार पार्किंग का जगह है, यस यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारा लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना गाड़ी रख के फिर पहाड़ पे चढ़ेंगे। सामने पहाड़ के नीचे ये जगह है, एक फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, बहुत ही अजीब है ना, इतना बड़ा अचानक से इतना बड़ा सा पहाड़, 3 पहाड़ खड़ा है यहाँ पे, और उसके पहाड़ का जो नीचे का हिस्सा है एकदम प्लेन है। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 500 स्टेप्स ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर जाके एक मंदिर मिलेगा हम लोगों को, नीचे दुकानदार बोल रहे थे। चलिए चढ़ के देखते हैं मंदिर कैसा है। ऑलमोस्ट आधा चढ़ाई चढ़ के आने के बाद ये लड़का मिला हम लोगों को। एक्चुअली ये लड़का अकेला नहीं था, इसका एक ग्रुप था, 4-5 लड़का इधर उधर बैठा हुआ था। ये लोग खजूर पेड़ के पत्ते से ये फ्लावर लीव्स का, जैसे एक फ्लावर स्टिक्स का डिज़ाइन करके बना रहा था, तो मुझे देख के अच्छा लगा, अच्छा है। तो ये लोग बस 20 रुपये में ये सब बेच रहा था वहाँ पर बैठ के बना बना के। तो मैं ये मुझे बोल रहा था कि लेने के लिए, लेकिन अभी हम ऊपर जा रहे हैं, अभी लेके कैसे जाएंगे, तो मैं उसको बोला कि नीचे आने का टाइम में हम लोग खरीदेंगे। आधा चल रहे हैं अब तक, ऑलमोस्ट मोर देन 500 स्टेप्स किया हुआ है पहाड़ में चढ़ने के लिए ऊपर तक, ये अब तक आधा ही चढ़े हैं। यहाँ से ये नीचे का ग्राउंड जहाँ पे हम लोग खड़े थे कुछ देर पहले, अभी इसे ऊपर तक जाना है। आ गए हम लोग पहाड़ के ऊपर, ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, बहुत सारा लोग आए हैं देखने के लिए, पूजा करने के लिए, जगह अच्छा है। यहाँ से नीचे का व्यू, बाहर चारों ओर पहाड़ का व्यू बहुत अच्छा है, ये मंदिर का व्यू आप देख सकते हो, मस्त लग रहा है यहाँ से। और ये दूर में हम लोग जिस पहाड़ में हैं, इसके बगल वाला एक पहाड़ है, एक्चुअली 3 पहाड़ है यहाँ पे, तो ये सामने वाला पहाड़ है और एक पहाड़ पीछे है हम लोगों का। दूर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए लोग, ऑलमोस्ट
क्लाइंब करके चले, उतरने का रास्ता तो दिख नहीं रहा है, कैसे उतरेंगे? पता नहीं। ये पहुंच गए हम गरपंच कोट में। मेरा पहला इम्प्रेशन ही बहुत ख़राब रहा, ये देख सकते हो आप कितना सारा स्पेलिंग मिस्टेक था इस बोर्ड में। इस मंदिर को हेरिटेज डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, तो इसको पुराना स्ट्रक्चर के स्टाइल में रेनोवेट किया गया है। दिस इज़ अ गुड स्टेप टेकन बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। यहाँ पे राजा का जो घर था उसमें घुसने का गेट यही था, और जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे एक मंदिर था, इसको नाट मंदिर या रास मंदिर बोलते थे वो लोग। उसको प्रिजर्व किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन बाकी सब टूट चुका है। ये जो ये दूर और एक मंदिर दिख रहा है, ये था उसका गेट, ये आप देख सकते हो ये गेट था, और इसके पीछे से मैं आके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये कैसा था। इसके सामने उस तरफ है वो नाट मंदिर जो आपको पहले दिखाया। ये है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस चारुलता। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है पुरुलिया में टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। मेन मेन जगह में उन्होंने बहुत ही अच्छा अच्छा गेस्ट हाउस बना के रखे हैं, ताकि वीकेंड टूर के लिए हम लोग यहाँ पे आए और आराम से रुक सकते हैं। और इसके अंदर में एक टेंट भी बना हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी आप रुक सकते हो। तो काफ़ी अच्छा बंदोबस्त है, तारीफ़ लायक काम किया है उन्होंने। दिस इज़ लंच टाइम नाउ, हम लोग अभी खाना खाएंगे। ये भी हम लोगों का पैकेज में इंक्लूडेड है, 5,000 rupees पर हेड में। घूमना, होटल में रहना, खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कैब, सब कुछ 5,000 पर हेड में इंक्लूडेड है इन 3 दिनों का ट्रिप का पुरुलिया का। तो ये बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही अच्छा ट्रिप था। थैंक यू टू पुरुलिया टूरिज़्म। अभी हम लोग पास कर रहे हैं DVC के ऊपर के रास्ते से। अभी घूम के हम लोग यू टर्न लेके नीचे जाएंगे, वहाँ पे कार पार्किंग है, ड्राइवर साहब बोल रहे हैं, तो वहाँ पे कार पार्किंग करके फिर से ऊपर आएंगे देखने के लिए DVC को। ये ऊपर रास्ते में आ गए हैं हम फिर से DVC के ऊपर का रास्ते में। यहाँ से यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये नाव खड़ा है यहाँ पे, आप लोग नीचे जाके इसको बुक करके सफ़र भी कर सकते हो पानी में। बहुत सारा लोग तो गाड़ी यहीं पे खड़ा करके देख रहा है, शायद नीचे जाके कार पार्किंग करके 50 रुपया बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क भी है।
सिक्योरिटी गार्ड आके आपको बोल भी सकता है यहाँ पे आप क्यों खड़े हो। पंचेत डैम के नीचे जाके हम लोगों ने ये फोटो खींचा है। ये भूख कर लोग खाना खाने बैठ गया है सुबह सुबह, अभी 12 भी नहीं बजा, सब खाना खाने बैठ गए। 1:09 बजा।